अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। एज वी ऑल नो के बाबर आजम एंड हिज अलोंग विद हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ब्रदर्स वगैरह, माशाल्लाह ही इज एट मदीना राइट नाउ। एंड वहाँ पे भी खैर जो उनकी फैन फॉलोइंग है, जो उनका क्रेज़ है, दैट्स अनरियल। एंड वीडियोज़ वगैरह वायरल हुई हैं कि मीन्स जो रुमाल होता है, फैन ऑट्रोम शायद रुमाल ही कहते हैं उसको, वो रुमाल के साथ एंड मास्क ग्लासेस फुल कवरेज के साथ मोहतरम है कि बाहर निकले, बट स्टिल लोग उनको पहचान लेते हैं एंड देन सेल्फीज एंड मतलब दे आर आस्किंग फॉर सेल्फीज एंड ऑल दिस। सो माशाल्लाह ट्रेमेंडस है। साथ में नसीब शाह वगैरह भी हैं, तो आज भी खैर उनके वीडियोज़ वायरल हुई हैं, फैंस वगैरह के साथ सेल्फीज़ वगैरह वायरल हुई हैं। सो माशाल्लाह दे आर ऐसा ही सर कि भाई स्परिचुअली वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर, एंड डेफिनेटली हर कोई करता है वहाँ पर जब जाते हैं तो माशाल्लाह। एंड इसके अलावा खैर जो फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, वो भी बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। आज कुछ आई थिंक कुछ म्यूजियम वगैरह भी खैर उन्होंने विजिट किया था, सो दैट्स अमेजिंग। एजाज़ी तौर पे बाय द वे उनको वहाँ पे इनवाइट किया गया था म्यूजियम में, सो दैट वाज रियली अमेजिंग। एंड खैर इसके अलावा आज बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने अलॉन्ग विद मोहम्मद यूसुफ एंड वहाब रियाज साहब, तो उन्होंने बहुत ही मेन मेन जो बातें करी हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं कि भाई 2025 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी होगी उस हवाले से ही सर के इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में होगी। एंड इसके अलावा है कि डेलीगेशन जो है आईसीसी का डेलीगेशन वो आज पहुंच चुका पाकिस्तान, और वो देखेगा मॉनिटर करेगा पाकिस्तान के तमाम स्टेडियम्स जो यूज़ किए जाएंगे सीटी 2025 के लिए। एंड बाय द वे अपग्रेड का प्लान भी है कि पेश कर दिया गया और उस पर भी एज सून एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। सो वेल एंड गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एंड सो फार एज आई सेड भाई, सो फार सो गुड फॉर मोहसिन नकवी साहब, ही इज़ डूइंग गुड। सो फार उन्होंने अच्छा किया है, लेट्स होप कि आगे भी इंशाल्लाह वो अच्छा ही करें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। सो खैर इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया था, जो कामरान अकमल एंड वहाब रियाज पे मुश्तमिल थी। एन एस शफी को भी इसमें शामिल किया गया था जनवरी से, तो वो भी खैर डिसॉल्व हो गई है। एंड इसके बाद नई सात रुकनी जो सिलेक्शन कमेटी है वो फॉर्म की गई है, एंड उसमें कोई भी चीफ सेलेक्टर नहीं है, यानी चीफ कोई भी नहीं है। तमाम के पास इक्वल इख्तियार होंगे, जिसमें वहाब रियाज साहब हैं एंड एस शफीक हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं एंड मोहम्मद सॉरी अब्दुल रज़ाक साहब भी मौजूद हैं उसमें। खैर अब्दुल रज़ाक के हवाले से मुझे थोड़े से तहफ़ुज़ात, बिकॉज जब वो टीवी पे बैठते हैं तो बहुत ही अजीब तरह की बातें करते हैं। लेट्स होप कि अब मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से और रहे के काफ़ी अच्छे काम किए हैं, काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो एक और डिसीजन ये भी लिया जाए कि अब अब्दुल रज़ाक चूँकि आपके सिलेक्शन कमेटी के मेम्बर हैं, तो अब उनको अलाउ ना किया जाए कि भाई आप किसी भी टीवी चैनल पर बैठ के किसी भी तरह की बात करो, तो मतलब कॉन्ट्रोवर्सी से बचने के लिए आई थिंक ये चीज़ भी है कि की जानी चाहिए। मतलब जो भी पीसीबी पे किसी अहदे पे है उसको एटलीस्ट टीवी पे बैठ के वो मतलब एज एन एनालाइजर टीवी पे नहीं बैठना चाहिए, एज एन एक्सपर्ट टीवी पे नहीं होना चाहिए फॉर द वर्ल्ड कप या जो भी हमारी जो सीरीज होने वाली है उसके लिए। एंड इसके अलावा है कि जो पाकिस्तान का कैप्टन है वो भी है कि विद इन कपल ऑफ डेज डिसाइड किया जाएगा कि भाई आया शाहीन को ही बरकरार रखा जाएगा या कोई दूसरा कैप्टन रखा जाएगा। इसके हवाले से भी मोहसिन नकवी साहब ने बात की एंड ये सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी सेड। एंड सिलेक्शन कमेटी में खैर जो सात रुकनी मेंबर्स से हम कंप्लीट नहीं कर सके इस बात को, तो उसमें कैप्टन भी है आपका, कोच भी होगा, यानी चार ये मेम्बर्स तो हैं, इसके अलावा कैप्टन होगा, हेड कोच होगा एंड टीम एनालाइजर जो होगा वो भी है कि इन सिलेक्शन कमेटी का मेम्बर होगा, उसको भी उतने इख्तियार हासिल होंगे जितने बाकियों को हैं। सो आई थिंक दैट्स गुड कि आपने किसी को भी चीफ नहीं बनाया, बट आई थिंक थोड़े से ज़्यादा इख्तियार आपको कैप्टन को देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कैप्टन हो, बिकॉज कैप्टन को ही मैदान में टीम को लड़ाना है एंड आई थिंक उसकी मर्जी सबसे ज़्यादा चलनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन। एंड इसके अलावा खैर इसलिए कि भाई कैप्टन भी डिसाइड करेगी इन कपल ऑफ डेज हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, एंड मोहम्मद आमिर का फ्यूचर भी वो डिसाइड करेगी। बाद में मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है, लंबा चौड़ा कुछ ट्वीट किया है, वही बात जो कल मोहम्मद सॉरी इमाद वसीम साहब ने कही थी, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, मतलब वही है कि जब पाकिस्तान को सर्व करने की बारी थी, जब मोहतरम रिटायरमेंट ले ली थी फॉर हिज मेंटल पीस, और अब है कि वो रिटायरमेंट से बाहर आ गए हैं एंड ही वॉन्ट्स टू प्ले वर्ल्ड कप एंड ऑल। खैर अल्लाह करे कि पाकिस्तान की आंख में बेहतर ही साबित हो, बट स्टिल खैर चलो देखेंगे क्या होगा। और है कि मोहम्मद आमिर साहब ने भी यही कहा कि भाई ऑलवेज मेरा ड्रीम रहता है पाकिस्तान के लिए खेलना एंड ग्रीन जर्सी में दिस एंड दैट एंड ऑल, तो भाई साहब ग्रीन जर्नी में जर्सी में तो आपको डेफिनेटली खेलना है एंड वी ऑल नो दैट कि आपको टी20 क्रिकेट तो खेलनी है, लेकिन
ODI क्रिकेट भी आप नहीं खेलना चाहते ना आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो ज़रा जो वाइट किट है उसकी तरफ भी अगर आप नज़र कदम करेंगे तो बेहतर होगा, एंड करनी चाहिए डेफिनेटली जब, और मोहतरम इमाद वसीम साहब को भी करनी चाहिए जब एक कैटेगरी का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और मतलब उनकी पसंद की सारी चीज़ें हो रही हैं, दैट्स वाई इज़ मेकिंग हिज कम बैक। तो आई थिंक उसको भी है कि मतलब टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अवेलेबल रहना चाहिए, ODI के लिए भी अवेलेबल रहना चाहिए। एंड बाय द वे आमिल नो डाउट इज़ अ ग्रेट टैलेंट एंड स्टिल ही इज़ डूइंग रियली वेल, एंड मेन मेन पॉइंट पे, ऑल्सो इतनी ज़्यादा विकेट्स नहीं है PSL में उसकी, बट मेन मेन पॉइंट पे ही इज़ डन रियली वेल फॉर हिज टीम। बट स्टिल आई थिंक 10 मैचेज में कुछ 9 ही विकेटें हैं उसकी और इकॉनमी भी कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं है। तो वैसे भी खैर ये जो इमाद और इन सब की रिटायरमेंट है, वापस लेने का जो फैसला है और जो दोबारा उनको टीम में शामिल करने का फैसला, ये डेफिनेटली यंगस्टर्स के लिए तो ये गलत मिसाल है। यंगस्टर्स कहाँ जाएंगे, आई मीन वो फिर डीमोटिवेट ही होंगे, वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखेंगे कि भाई हम भी है कि वी कैन है कि मेक प्लेस एट इंटरनेशनल साइड, तो वो उनकी जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी हद तक दम तोड़ती हुई नज़र आएंगी। आई मीन आपको, आपके पास वसीम जूनियर है एंड ऑल, अब आप किस तरह से प्लेइंग 11 सेलेक्ट करोगे जब आपके पास शाहीन को अगर आप कैप्टन बनाते हो, बट ना बेसिकली आई डोंट थिंक शाहीन की जगह मुझे खैर प्लेइंग 11 में भी नज़र नहीं आती है, बिकॉज शाहीन से बेहतर तो आपका आमिर नहीं किया है पूरे अगर PSL में देखें, तो शाहीन की डेफिनेटली जगह नहीं बनती है इस कैप्टन के तौर पर। अगर आप सूख लाओ तो डेफिनेटली आपको खिलाना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक शाहीन की जगह बनती है, शाहीन को डेफिनेटली भी रेस्ट करना चाहिए। एंड इसके अलावा अब कैप्टन आप किसको बनाते हो, खैर खबर तो ये भी है कि आमिर सॉरी बाबर एंड रिजवान दोनों ने मना कर दिया, एंड शादाब को भी खैर बहुत से लोग डाले, बट आई डोंट थिंक शादाब का नाम जेरे वाल है। सो लेट्स सी क्या होता है, खैर मुझे तो मुझे नहीं लगता खैर शाहीन को आपको कैप्टन कंटिन्यू करना चाहिए। खैर है तो थोड़ी सी गलत बात, यानी उसको जस्ट एक सीरीज दी और फिर है कि आपने उसको कैप्टनसी से हटा दो, बट स्टिल मुझे पता नहीं क्यों अच्छी वाइब्स नहीं आती शाहीन के, मतलब नॉट लाइक दैट कि ही मतलब कुछ उसमें ख़राबी है या एंड ऑल, बट आई थिंक ही इज़ जस्ट आउट ऑफ फॉर्म, दैट्स वाई देर इज़ नथिंग मेन रीज़न कि भाई इस वजह से उसको कैप्टन बनाया उस तरह, बट आई थिंक उसको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, ही इज़ नॉट इन इज ग्रेट फॉर्म एंड इन ग्रेट टच, सो आई डोंट थिंक ही शुड बी इन टीम स्पेशली इन द बिग वर्ल्ड कप, बिकॉज अगर आपका कैप्टन ही आउट ऑफ फॉर्म हो एंड वही मिसफिट नज़र आ रहा हो प्लेइंग 11 में, तो मतलब हाउ कैन अ टीम कैन परफॉर्म जब उसका कैप्टन इतना अच्छा नहीं होगा, अच्छे टच में नहीं होगा। सो आई थिंक इस पे काम करना चाहिए। इसके अलावा खैर हारिस रऊफ साहब का अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, हमने पहले ही बताया था कि वो रिस्टोर कर दिया जाएगा, तो कर दिया गया है बिकॉज उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया है। एंड इसके अलावा एम शहजाद माशाल्लाह इज़ डूइंग सो मच चैरिटी एंड बहुत ही ज़्यादा है कि सबको राशन की तकसीम वगैरह भी कर रहे हैं, सो बहुत ही अच्छी बात है। इस माह से आम में डेफिनेटली जितनी भी ज़्यादा हम चैरिटी करें, जितना भी ज़्यादा हम लोगों की मदद करें तो वो कम है उतना, एंड माशाल्लाह हैट्स ऑफ टू हिम एंड रियली है कि उनको अप्रिशिएट भी हम करते हैं। एम शहजाद बाय द वे है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई उनको भी अब जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ है उसमें मौका दिया जाएगा, सो लेट्स सी क्या होता है। एंड इसके अलावा खैर ओपनिंग के स्लॉट के हवाले से भी खबरें हैं कि भाई ओपन अब बाबर एंड साइम करेंगे एंड रिजवान विल प्ले एट वन डाउन, सो इट विल बी गुड। खैर मैंने तो पहले भी कहा था कि बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी टोनी है तो साइम एंड बाबर के साथ करना चाहिए, बिकॉज 2 साल से साइम एंड बाबर पेशावर जर्मी आपको जर्मी में आपको बेस्ट ओपनिंग करके दे रहे हैं, PSL में बेस्ट ओपनिंग पेयर है उनका माशाल्लाह, सो आई थिंक बाबर एंड साइम शुड बी ओपनर्स एंड देन वन डाउन पे आप, मुझे लगता है कि वन डाउन पे आपको फ़खर के साथ जाना चाहिए, रिजवान को फिर आप है कि 2 डाउन पे रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।